14 सर्वतः पाणिपादं ता सर्वताक्षी शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वमावृत्य अतिष्ठति। जो परमात्मा है उनका स्वरूप क्या है? सर्वतः पाणिपादं तत्व, उनका जो पानी, पानी मतलब हाथ, पीने वाला पानी नहीं, ओके ना, हाथ, पानी पाद जो पैर है, तत् सर्वत हर स्थान पर है। अक्षी शिरो मुख, उनका आंख, सिर, मुख, तो ये भी हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। सर्वतः श्रुतिमत लोके, उनका जो कान है हर स्थान पर है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, उसी प्रकार भगवान हर स्थान पर रहते हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान का हाथ, पैर, आंख और उनके मुख, सर और उनके कान जगत में हर स्थान पर रहते हैं। कहने का अर्थ है भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान का जो अंग प्रत्यंग है, बाकी जो जीव है, जीवात्मा के जैसे लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, असीम है। जैसे कि गूगल फॉर्म है तो हर स्थान पर, हर स्मार्टफोन में वो फॉर्म रहता है, तो ठीक उसी प्रकार भगवान का जो फॉर्म है, गॉड का फॉर्म है, हर स्थान पर रहता है। तो गूगल फॉर्म को रियलाइज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें स्मार्टफोन की आवश्यकता है, वैसे गॉड का फॉर्म को एक्सेस करने के लिए हमें एक स्मार्ट लाइफ की आवश्यकता है। वो स्मार्ट लाइफ क्या है हमने डिस्कशन किया था, एस फॉर सिंसियरिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ, तो साधना और सेवा में हमारा सिंसियरिटी होना चाहिए। एम फॉर मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर, तो शास्त्रों को ठीक ठीक हमें समझना चाहिए, उसी प्रकार के परिपक्वता हमारा हृदय में होना चाहिए। ए फॉर अब्सोल्यूट फेथ, अब्सोल्यूट फेथ, परम श्रद्धा होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, कोई आया मान लो भगवान को प्रमाण कर दिया कि भगवान नहीं है, फिर भी आपने, आप मानते हो नहीं कृष्ण भगवान ही, उसको क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट फेथ। जीवन में आपका दुख ही भरा है, दुख का कोई अंत ही नहीं है, और कोई आके बोलता है अरे तुम्हारा भगवान दुख तुम्हारा दूर नहीं कर पाता है इसलिए भगवान नहीं है, फिर भी जीवन में दुख आता है, फिर भी आप क्या मानते हो, भगवान ये मानते हो, उसको कहते हैं परम श्रद्धा। और आर फॉर रिलेशनशिप विद गॉड, तो भगवान के साथ एक संबंध के साथ हमें रहना है। जिस भी संसार में हम रहते हैं तो एक संबंध रहता है, बिना संबंध से संसार में कोई नहीं है। हम घर पे हैं तो पिता माता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, फ्रेंड्स का संबंध है जो बाहर आते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो टीचर का संबंध है, ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर संबंध है, तो कुछ संबंध रहता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ हमारा संबंध रहना चाहिए। पांच प्रकार के संबंध है, शांत रस में संबंध होना चाहिए, है कि नहीं, दास्य रस में होना चाहिए, साख्य रस में होना चाहिए और वात्सल्य रस में होना चाहिए और माधुर्य रस में होना चाहिए, कोई भी एक रस हमारा होना चाहिए। और टी फॉर ट्रांसडेंटल टू थ्री मोड्स ऑफ नेचर, हमारा जो कार्य है तीन गुण के प्रभाव से नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रभाव से होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं किसके प्रभाव से आए हैं, कृष्ण के प्रभाव से आए। जो कृष्ण के प्रभाव से हम कार्य करते हैं उस कार्य को हम क्या कहते हैं, तीन गुण से परे। तो इसी प्रकार जनरली भगवान को हम समझ सकते हैं, भगवान का रूप को हर स्थान पर देख सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म को स्मार्टफोन में देखते हैं। तो जो गूगल फॉर्म है वो डिजिटल फॉर्म है, तो एक हार्ड फॉर्म रहता है जैसे कि पेपर पे फॉर्म रहता है तो हार्ड कॉपी बोलते हैं, एक डिजिटल कॉपी बोलते हैं। तो डिजिटल कॉपी का भी फॉर्म है, उसका भी अनुभव हम कर पाते हैं। तो हार्ड कॉपी का भी फॉर्म है, उसका भी अनुभव हम कर पाते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअल फॉर्म है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म को भी अनुभव हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार तीन फॉर्म है, एक है हार्ड कॉपी, एक है डिजिटल कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, और एक है स्पिरिचुअल कॉपी, दैट इज स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में, आत्मा का स्पिरिचुअल बॉडी डिटेल्स हमने देखा, तो परमात्मा का भी स्पिरिचुअल बॉडी है।